कक्षाओं पढ़ा है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा जीरो होता है तो या तो पहली संख्या जीरो के बराबर होती है या दूसरी संख्या जीरो के बराबर होती है। वही हमारी थ्योरम है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, एफ फील्ड है। जब तक नहीं कहा जाए यहाँ पूरे चैप्टर में एफ मीन्स फील्ड, एफ फील्ड है और जिसके कोई दो एलिमेंट हो ए और बी, यदि इन दोनों का गुणा जीरो है तो या ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ये हमको सिद्ध करना है। इसको करने के लिए दो टुकड़े में बात करेंगे। पहला तो यदि कोई संख्या अपने आप में जीरो है, यदि ए बराबर जीरो है, ए बराबर जीरो तो वही प्रूफ करना हो गया, तो उस केस को हम छोड़ देंगे। यदि ए बराबर जीरो है तो हमारे पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड। यदि ए जीरो नहीं है तो इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं है और ए ए क्या है, ए एफ का एलिमेंट है, एफ क्या है, एफ फील्ड है, तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, यानी ए जीरो नहीं है तो उसका इनवर्स उसमें होगा। ए का इनवर्स है ए इनवर्स, यदि उसका इनवर्स उसमें है तो उन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगी आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन। दैट मीन्स ए ए इनवर्स इज इक्वल टू वन एंड दिस इज अगेन इक्वल टू ए इनवर्स ए। अब हमें देख क्या रखा है, ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए इंटू बी दो संख्या ए और बी है जिनका गुणा जीरो के बराबर है, ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स से गुणा करने पर मेरे पास आता है ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो। अब चूंकि ये तीन एलिमेंट हो गए ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या करेंगे कि आपके पास ए इनवर्स इंटू जीरो, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो ये ए इनवर्स इंटू ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होने के कारण इन दोनों का मान बनेगा एक, ये होगा वन इंटू बी, और 1 into b 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 into b is equal to b, this means b is equal to 0। यदि a 0 नहीं है तो कौन 0 होगा, b, दोनों में से कोई एक एलिमेंट को 0 लेना है। इसी प्रकार यदि हम b को नॉन जीरो ले लें तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि a is equal to 0, तो पूरे प्रोसेस में ही हो जाएगा b is not equal to 0, b इनवर्स f का एलिमेंट है, such that b b इनवर्स is equal to 1 is equal to b इनवर्स into a, और इसमें राइट हैंड साइड में b इनवर्स से गुणा कर देंगे और पूरा प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a is equal to 0। इस प्रकार यदि a और b f के एलिमेंट हैं, f फील्ड है और इन दोनों का गुणा यदि 0 है तो उन दोनों में से कोई एक एलिमेंट आइदर a is equal to 0 और b is equal to 0। फील्ड के दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का गुणा क्षेत्र के दो अशून्य अवयवों के गुणनफल का व्युत्क्रम। मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट है ए और बी, किसके, एफ के, और दोनों नॉन जीरो है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी बिलोंग्स टू एफ। उन गुणनफल का व्युत्क्रम यानी दोनों का गुणा कर दिया तो हो गया ए बी को व्युत्क्रम, उनका इनवर्स, ए बी का इनवर्स उन अवयवों के व्युत्क्रमों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए का इनवर्स ए इनवर्स और बी का इनवर्स बी इनवर्स के बराबर होता है, यानी कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। इसको सिद्ध करने के लिए अपन शुरू करें, ए नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, और किसके एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है, तो ए नॉन जीरो है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स इनवर्स, ए का इनवर्स हो गया ए इनवर्स। इसी प्रकार बी भी नॉन जीरो है तो बी का इनवर्स हो गया बी इनवर्स। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी का इनवर्स इसके बराबर है, तो यदि जैसे अपन ने पहले किया है छोटे से एग्जाम्पल देंगे, ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी वन आ जाना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, ए का इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, उसी रूप में देखें। तो अब यहाँ पर मैं ए और बी को एक एलिमेंट के रूप में लूँ तो ए बी, और इसको किसी एलिमेंट से गुणा किया जो रिजल्ट आने वाला है ए इनवर्स बी इनवर्स, यदि इन दोनों के गुणा को मैं एक सिद्ध करता हूँ तो ये कह सकता हूँ कि ए बी का इनवर्स कौन है, ये है। तो ऐसा करने के लिए ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एफ बी बिलोंग्स टू एफ by closure property a b belongs to f, so now this can be written as single element, a b is one element, और ये एक inverse और ये b inverse दो element हो गए, तो by associativity property I can write this into this
और ब्रैकेट के बाहर बी इनवर्स, तो ए बी ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, दिस इज बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब चूंकि ए और बी फील्ड के एफ के एलिमेंट है और एफ फील्ड है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इस ए बी को मैं लिख सकता हूँ बी ए, और फिर ये तीन एलिमेंट हो गए बी ए ए इनवर्स। तो यहाँ पर वापस से एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए ए इनवर्स और बाहर बी इनवर्स। अब चूंकि ए का इनवर्स ए है तो ए ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी वन, तो ये हो जाएगा बी इंटू वन बाय इनवर्स, और बी इंटू वन इज बी बाय आइडेंटिटी, क्योंकि वन इज दी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को गुणा करेंगे तो उत्तर हमारे पास सेम एलिमेंट आएगा, तो बी इंटू वन इज बी और बी बी इनवर्स दोनों मिलकर के वापस, चूंकि बी का इनवर्स बी है जिसका मान हो गया ए, तो यानी ए बी को ए इनवर्स बी इनवर्स से गुणा करने पर यदि उत्तर एक आता है, इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो ये एलिमेंट है का इनवर्स निकालेंगे तो वो ये एलिमेंट आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए बी का जो इनवर्स है वो होगा ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, क्योंकि इसको इंटरप्रिटेशन ही करनी है कि किसी एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से यदि गुणा करते हैं उत्तर यदि आइडेंटिटी आता है तो पहले एलिमेंट का इनवर्स दूसरे एलिमेंट होता है, तो वही चीज यहाँ से लिखनी है ए बी का होल इनवर्स इज नथिंग बट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। एफ एक फील्ड है और ए तथा बी फील्ड के कोई दो एलिमेंट है, तो ये समीकरण ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी का एफ में एक यूनिक सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी विद्यमान होता है। इसको सिद्ध करने के लिए अपने को दो पार्ट में करना पड़ेगा, पहले तो हम प्रूव करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी इसका सॉल्यूशन है, और सेकेंड पार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन यूनिक है। तो अब चूंकि ए एफ का एलिमेंट है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एफ क्या है फील्ड है तो एफ के लिए प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होगा, तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू एफ, यदि ये इसका एडिटिव इनवर्स है दैट मींस ए प्लस दिस इज अनदर एलिमेंट माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए है, और यदि एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे तो उत्तर आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी इज जीरो। अब जो दी गई समीकरण वो क्या है, वह ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, इस समीकरण में दोनों तरफ माइनस ए एड करने पर, क्योंकि यदि इक्वेशन है बराबर का निशान है, यदि इसको सेम नंबर दोनों तरफ जोड़ते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एडिंग माइनस ए ऑन बोथ साइड्स वी आर गेटिंग माइनस ए, ब्रैकेट इसलिए लगाया कि दिस इज एन एलिमेंट, इसको एक ऑपरेशन के रूप में नहीं लेना, ये एक एलिमेंट के साथ साइन है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस ए और एक्स तीनों एफ के एलिमेंट है, एफ फील्ड है, तो फील्ड के लिए एडिटिव एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की मदद से ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ए प्लस एक्स। अब चूंकि ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए है तो इन दोनों का मान मिलकर के हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, तो ये होगा जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। चूंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो उसको किसी भी एलिमेंट में जोड़ेंगे तो रिजल्ट मेरे पास वापस सेम एलिमेंट आएगा, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे कि जिसमें हम ये बताएंगे कि जो सॉल्यूशन आया है ये सॉल्यूशन यूनिक है। माना दिए गए समीकरण का कोई दूसरा हल, क्योंकि जब कभी भी हमें यूनिक सॉल्यूशन प्रूव करना होता है तो हम ये लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है वो यूनिक नहीं है, इसका मतलब वहाँ को दूसरा सॉल्यूशन होगा, दूसरा सॉल्यूशन मान करके चलते हैं, अंत में कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है जिसको हमने दूसरा सॉल्यूशन माना था वह दूसरा नहीं होकर के पहले के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन है वो यूनिक है। इसमें अब हम यूनिकनेस की प्रूव कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमने सॉल्यूशन निकाला एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी वो यूनिक नहीं है एक्स, तो कोई दूसरा सॉल्यूशन जरूर होगा, तो मान लीजिए कि उसका दूसरा कोई सॉल्यूशन है वो वाई है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई, तो इसमें हम क्या करेंगे वापस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई, तो दोनों तरफ माइनस ए को ऐड कर देंगे, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू एफ,
by additive inverse. तो minus a plus a plus x is equal to minus a plus a plus y. अब यहाँ पर तीन एलिमेंट हो गए, तीनों एलिमेंट फील्ड के हैं, तो बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट एज माइनस ए प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस ए प्लस वाई बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. अब चूंकि ए का इनवर्स ए है तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, ए का यदि ए इनवर्स है तो इनका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आइडेंटिटी, और ए इनवर्स की आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो जीरो है, तो दिस विल बी जीरो प्लस एक्स दिस इज जीरो प्लस वाई, क्योंकि ए और ए इनवर्स के कारण उसका रिजल्ट जो आएगा वो आइडेंटिटी आएगा. अब चूंकि जीरो आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी यदि किसी भी एलिमेंट में हम ऐड करेंगे तो वापस वो सेम एलिमेंट मिलेगा, तो जीरो प्लस एक्स विल बी जीरो एंड जीरो प्लस वाई इज वाई, अर्थात एक्स इज इक्वल टू वाई. तो हमने जो कोई दूसरा सोल्यूशन माना था कि वाई को दूसरा हल है, अन्य हल है, वाई का मान एक्स के बराबर आ गया, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वाई है वो कोई दूसरा हल नहीं होकर के वही हल है जो पहला था. इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स, एक्स जो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी इक्वेशन है, उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, और ये सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन